पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज मैं ये वीडियो तीन आइडियाज़ के साथ आपके सामने लेके आया हूँ। प्लीज़ तीन आइडियाज़ को समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहला ये आइडिया है कि आप कभी भी कोई भी काम करने लगें या कोई भी काम शुरू करें, कम अज़ कम दो, मतलब चलें दो से नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम एक बंदे से उसके बारे में ज़रूर मशवरा कर लें कि यार ये काम कैसा है। दूसरा ये मतलब कि जो जिसको आप सबसे ज़्यादा करीब समझते हैं उसके साथ वो मशवरा कर लें। दूसरा आइडिया ये है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाना शुरू करने लगा हूँ जिसमें रोज़ रोज़ाना कोई ना कोई एक आइडिया होगा या कोई ना कोई अच्छी बात होगी। वो आइडिया मुझे आप बताएंगे कि मैं कौन सा आइडिया उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और तीसरा ये आपसे मैंने मशवरा करना था कि मेरी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी किस किस तरह की कमियाँ हैं, किसी भी किस्म की कमी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ। और वीडियोस को अगर जिसको मेरा ये आइडिया पसंद आया, यानी वीडियोस बनाने का जिसमें एक ना एक आइडिया होगा, तो मैं इस बात पे सबसे पहले अमल करते हुए सबसे पहले आप लोगों से मशवरा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देखनी है, आपने इनको प्रमोट करना है, तो मुझे ये आपसे मशवरा करना है कि मुझे इस वीडियो को बनाते हुए किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो आखिरी आइडिया है वो ये आइडिया है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसमें कोई आइडिया छोटा मोटा पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को अपनी वॉल पे लगाएं, ठीक है, और इसी तरह लोगों से आपकी ये वीडियो आपकी बन जाएगी और आप इसी तरह लोगों से अपने बारे में पूछ लें। तो अब हम आपकी तरफ थोड़ा सा स्विच करते हैं। वो किस तरह स्विच करते हैं कि जिसकी वॉल पे भी ये वीडियो पोस्टेड है, वो ये जिसकी प्रोफाइल पे ये वीडियो पोस्टेड है, उस इंसान के जो दोस्त नज़र आते हैं वो उस इंसान को किसी भी किस्म का कोई भी मशवरा देना चाहते हैं तो वो मशवरा दें। तो ये वीडियो पोस्ट ही उनकी वाल पे होगी जिनको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा, जो दूसरों के साथ मशवरा करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। और जो सबसे आखिरी बात, उन लोगों के लिए जिनको मेरा ये आइडिया बड़ा पसंद आया और वो इस तरह का आइडिया या इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मेरा उन भाइयों से गुजारिश ही कर सकता हूँ मैं कि प्लीज़, मैंने इससे पहले ये आइडिया कहीं से नहीं देखा, मैंने खुद सोचा था कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ कोशिश करें इस आइडिया को चोरी ना करें। अच्छा, आइडिया को चोरी ना करें तो क्या करें? आप ये दोबारा आइडिया बना सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे क्रेडिट ज़रूर दें, यानी उसमें मुझे शामिल ज़रूर करें। यानी शामिल करने का मकसद ये है कि मेरा जो है ना, आप दो लिंक लगाएं, एक मेरा ये फेसबुक पे प्रोफाइल का लिंक लगाएं, जब भी यानी आइडिया रिक्रिएट करते हैं यानी दोबारा बनाते हैं तो उसको चोरी ना करें। ये अब आप पे है कि आप उसको चोरी कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, या इस आइडिया को थोड़ा सा मोल्ड करके बनाएंगे या जैसे भी ये आपको पता है। तो उसके ऊपर दो लिंक लगाएं, एक मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगाएं, वो मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, और दूसरा मेरी ये प्रोफाइल का लिंक लगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ये दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपको दूसरों की साथ मशवरा करने की थोड़ी सी आदत पड़े, दूसरों के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने की आदत पड़े। ये हम में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है आजकल के दौर में ना, कि हम कोई भी काम करने लगते हैं या कोई भी परेशानी होती है, मुश्किल में होती है, तो दूसरों से हम बात शेयर नहीं करते। तो मेरी पूरी वीडियो में ये आइडिया था कि आप दूसरों के साथ शेयर करें, ये ना डरें कोई भी आइडिया, और ये ना डरें, कॉन्फिडेंस रखें कि आपका कोई भी बात वो चोरी कर लेगा या आपकी वो बात किसी और को बता देगा। तो ये भी जो बंदा किसी के साथ शेयर करे भाई, वो भी इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखे कि ये कुछ समझ के आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। तो काइंडली उनके लिए भी ये थोड़ा सा भाई का मशवरा है कि वो भी उस बात को अपने तक रखें। तो लोग डरते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको ये आइडिया शेयर कर रहा हूँ, जिन लोगों को ये आइडिया समझ आया वीडियो बनाने वाला, ये उनके लिए भी है कि वो पूरी वीडियो देखें
और मेरा आइडिया चोरी ना करें, इस आइडिया को जितना हो सकता है आगे फैलाएं। अगर आप रिक्रिएशन यानी दोबारा वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे क्रेडिट ज़रूर दें। तो मेरी आखिरी बात थी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।